हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अन्नपूर्णी किचन। आज मैंने आपके लिए ले आई हूँ ओल का कड़ी। ये बहुत ही इजी तरीका से मैंने यहाँ पर कर देखा है। आप चाहे तो इसको जरूर घर पर ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट पर जरूर बताएगा। आप अगर इस वीडियो को बंगाली और इंग्लिश में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दिया हुआ है। अगर मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ओल का कड़ी करने के लिए मैंने पहले ले लिया एक ओल कोचो, जिसको मैंने कट कर बॉयल कर लिया। ले लिया कैप्सिकम और ले लिया आलू और ले लिया एक गोभी, साथ में ले लिया गाजर और टमाटर का पेस्ट और ले लिया काजू बादाम और पोस्तों का पेस्ट। साथ में ले लेती हूँ नमक, हल्दी, जीरा, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, दो सूखी हुई लाल मिर्ची, अदरक और बारीक काटी हुई मिर्ची, और ले लेती हूँ टाला हुआ जीरा का पाउडर, टाला हुआ दालचीनी का पाउडर। ओल कड़ी करने के लिए मैंने कढ़ाई पर ऑयल गरम कर लिया, उसमें ओल कोचू डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी का पाउडर दे देंगे। इस तरीके से मैंने गोभी और आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ओल कोचू फ्राई हो गया। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। अभी हम इसको उतार लेंगे। ऐसे करके हम गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। आप देखिए हमारा गोभी भी फ्राई हो गया, कितना अच्छा ब्राउन कलर भी आ गया। अभी इसको भी मैंने उतार लूंगी। अभी मैंने इस पर आलू भी डाल दूंगी, दे दूंगी थोड़ा सा नमक और हल्दी का पाउडर। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख रही है मेरा आलू भी गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी मैंने इसको उतार लूंगी। आप लोग देख सकते हैं हम सारी आलू, गोभी और ओल कोचू को फ्राई कर लिया। अभी हम ओल कड़ी का कड़ी कर लूंगी। कड़ी करने के लिए मैंने कढ़ाई पर तेल डालकर गरम कर लिया। अब इसमें मैंने पहले तेज पत्ता डाल दूंगी, दे दूंगी सूखी हुई मिर्ची, अभी मैं दे दूंगी जीरा। आप चाहे तो इसमें हींग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अभी मैंने इसको थोड़ा देर के लिए डाल लूंगी। अभी इसमें दे दूंगी बारीक काटी हुई अदरक, इसको भी हम थोड़ा डाल लेंगे। फिर दे दूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी स्वाद अनुसार नमक दे देंगे, दे देंगे हल्दी का पाउडर और दे देंगे बारीक काटी हुई मिर्ची। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दे देंगे गाजर और टमाटर का पेस्ट। ये पेस्ट को भी मैंने अच्छे से डाल लूंगी। आप लोग अगर जानना चाहते हैं ये गाजर और टमाटर का पेस्ट कैसे करना है तो मुझे कमेंट पर जरूर बताएगा। देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसमें मैंने घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको और भी ज्यादा अच्छे से फ्राई करना है।
अभी मैंने इसमें काजू और पोस्त का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से तल लेंगे। ये भी अच्छे से फ्राई हो गया। अभी हम इसमें काटी हुई कैप्सिकम को भी डाल देंगे। ये कैप्सिकम को भी मैंने थोड़ा सा तल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कैप्सिकम भी तल गया। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अभी इस पानी को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लूंगी। फिर 2 से 3 मिनट के बाद इसका कलर ज़्यादा लाइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें काजू और पोस्त का पेस्ट डाला था। आप देख सकते हैं हमारा कड़ी का कलर भी लाइट हो गया। अभी हम इसमें टाला हुआ जीरा का पाउडर और टाला हुआ दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। अभी इसको मिक्स करके मैंने हर सब्जी को ऐड कर देंगे। मैंने पहले कचू डाल दिया, फिर डाल दूंगी आलू, फिर डाल दिया गोभी। इसको हम अच्छे से कड़ी के साथ मिला लेंगे। आपको ज़्यादा जूसी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी पहले डाल सकते हैं। हमको ज़्यादा जूसी पसंद नहीं है, सो मैंने थोड़ा पानी डाला था। मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छे से भून लूँगी, फिर उसको प्लेट पर उतार लूँगी। आप चाहे तो इसको ज़रूर घर पर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट पर बताइएगा। मेरा आज का रेसिपी ओल कोचू का कारी कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही टेस्टी है। अगर इसको आप घर पर ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।